धारा 370 को लेकर प्रचार प्रसार जोरों से शुरू हो चुका है। इसी को लेकर सभी को जो है जिम्मेदारियां दी जा चुकी है। इसी को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी। सर, देखा जाए दो समितियां तैयार की गई है, गजेंद्र सिंह शेखावत और वहीं अगर देखा जाए धर्मेंद्र प्रधान के, इसमें आपको लगता है जो आप लोगों को टारगेट दिया गया है धारा 370 को लेकर जगह जगह बताने का और साथ साथ प्रचारित करने का, इस टारगेट की समय सीमा भी क्या है और किस तरीके से इसे पूरा करने वाले हैं? आज ये जो जोन बनाया है, इस जोन में उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और इधर दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्यों को मिलाकर इस जोन की आज एक वर्कशॉप हुई है। प्रत्येक राज्य से 10-12 ऐसे करके नेतागण आए हैं। एक महीने तक इस अभियान को हम लोग चलाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, स्विस बैंक से सीधा कनेक्शन होने जा रहा है, अब जो है कहीं भी धांधली सीधे तौर पर नजर नहीं आएगी, जल्द से जल्द झपट्टा मारा जाएगा। जब स्विट्जरलैंड की हम बात करते हैं, खासकर स्विस बैंक की, भ्रष्टाचार से इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है वहाँ परिस्थिति, आपको लगता है डायरेक्ट कनेक्शन कई सारे पत्ते सामने खोल सकता है? देखिए, मोदी जी के आने के बाद हम लोगों ने देश को एक स्वच्छता की तरफ ले जाने का जो बीड़ा उठाया था, उसमें लगातार हम लोग, हमारे इतने राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हम कितने स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, तो ये समझ में आना चाहिए उन लोगों के जिन्होंने 50 साल में देश को गर्त में ले जाने का काम किया। शुक्रिया सर RNITV से खास बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मदन कौशिक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 45 साल का अगर बेरोजगारी का आंकड़ा हम उठा कर देखें तो 5 साल से उसको कंपेयर करना चाहिए, उसके बाद परिणाम सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं भावना, RNITV दिल्ली।